नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ थाना पवई दीदारगंज अवैध शराब से 2 दर्जनों मौतों के संबंध में पुलिस अधीक्षक ने की कार्यवाही। जनपद अम्बेडकर नगर व जनपद आजमगढ़ के सीमावर्ती ग्रामों में अवैध जहरीली शराब से हुई मृत्यु की घटना के संबंध में थाना अध्यक्ष पवई व प्रभारी पुलिस चौकी सहित अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा घोर लापरवाही एवं कर्तव्य पालन के प्रति उदासीनता प्रदर्शित किए जाने संबंधी पाए गए तथ्यों के आधार पर उप निरीक्षक अयोध्या तिवारी थाना अध्यक्ष पवई जनपद आजमगढ़, उप निरीक्षक अरुण कुमार सिंह प्रभारी चौकी मित्तूपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ राजकिशोर यादव एवं आरक्षी अविनाश प्रसाद थाना पवई जनपद आजमगढ़ को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए इसकी प्रारंभिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक नगर को आवंटित की गई है। विस्तृत प्रारंभिक जांच के उपरांत प्राप्त तथ्यों आजमगढ़ के थाना पवई तथा थाना दीदारगंज क्षेत्र में अवैध शराब के कारण हुई मौतों में अवैध शराब की बिक्री में समय रहते कार्रवाई न करने के कारण थाना अध्यक्ष पवई अयोध्या प्रसाद चौकी इंचार्ज मित्तूपुर अरुण कुमार सिंह हेड कांस्टेबल राजकिशोर यादव व कांस्टेबल अविनाश प्रसाद को मेरे द्वारा निलंबित किया गया है। इसके अतिरिक्त थाना दीदारगंज के कांस्टेबल रिंकू कनौजिया तथा चौकी हल्का इंचार्ज हिमांत यादव को इसका दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है। इसके अलावा थाना कोतवाली क्षेत्र में मेरे द्वारा एक ढाबा जो कि अतुल ढाबे के नाम से है, उस पर अवैध शराब की बिक्री और मादक पदार्थों की बिक्री की सूचना पाते हुए दबिश डलवाई गई थी। उसके ढाबे से शराब और मादक पदार्थ बरामद हुए हैं, उसमें उसके लिए जिम्मेदार पाते हुए और समय रहते कार्रवाई न करने के कारण चौकी इंचार्ज बलरामपुर अनिल मिश्रा तथा कांस्टेबल बीट के तथा उस चौकी कांस्टेबल रवि तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। मेरा ये भी कहना है कि जो चौकी इंचार्ज थानाध्यक्ष और बीट कांस्टेबल समय रहते अपने क्षेत्र में अवैध कार्यों पर लगाम नहीं लगाएंगे और उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, यदि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दबिश के दौरान वहाँ पर कोई अवैध शराब अथवा अवैध मादक पदार्थ या अथवा ऐसी अवैध गतिविधि संचालित होती हुई मिलेगी तो उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी।